हेलो नमस्ते सभी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मैं अमित बड़ाना और मैं आ रहा हूँ 6 अक्टूबर को श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली सुबह ग्यारह बजे मैं चाहता हूँ कि आप भी वहाँ पर उपस्थित रहें और मेरी आने वाली वेब सीरीज एसएससी का ट्रेलर लॉन्च एक्सक्लूसिव देखें वहाँ पर मैं आपको मिलूंगा मेरी टीम वहाँ पर मिलेगी और हम सब मिलकर उठाएंगे ट्रेलर का ब्लॉक धन्यवाद

तो इसकी जानकारी मैं आपको अभी सेशन में दूंगी चलिए बच्चे तो हम लोग अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं अगर आप डेली के हैं, तो कर सकते हैं हाँ जी भाई टीकेश्वर मैं लाइव हूँ फटाफट से बताइए आंसर क्या हो जाएगा चलिए बच्चे हम लोग बहुत फास्ट जो है वो करते हैं अपने सारे क्वेश्चन को यस yes. वॉइस नहीं आ रही वॉइस तो आ रही है भाई यहाँ पे फटाफट से बताइए बच्चे वॉइस लो आ रही है लो साउंड है ठीक है मैं अभी इसको ठीक करवाती हूँ लो साउंड रीजन है ओके तो चलिए तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा मी जस्ट कॉल माय टेक टीम आल्सो सो हाँ जी भाई तो आंसर हमारा यहाँ पर जो है दिस इज आंसर वुड बी

हा जी डेली पे कहां पे है सत्यम सिंह ये फॉर्म फिल कर दीजिए हौस खास के पास में है हौस खास मेट्रो स्टेशन है। अभी पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी आपको सस्पेक्ट जितेंद्र राजपूत क्या होता है सस्पेक्ट वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है तो बच्चे यस हाँ जी तो एंटिसपेट करना यानी कि क्या करना यानी कि अनुमान लगाना गेस करना तो हमारा नेक्स्ट मूव ऑफ द ओपोनेंट ओपोनेंट का हम लोग क्या करते हैं जैसे कि अभी आप लोग कट ऑफ पूछ रहे हो तो कट ऑफ क्या है एंटीसिपेटेड है ना प्रकटन का मतलब क्या होता है भूल जाना प्रेडिक्टेड आपका अनुमान लगाना सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना और ड्रेडेड होता है आपका जो कि बहुत ही डरा हुआ होता है घातक ठीक है चलो तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं अक्षय ऑलवेज गिव्स टू जोहाना फॉर हिज सक्सेस सो सक्सेस के लिए ब्लेम करा जाएगा सक्सेस के लिए हमारा जो है चांस दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी या फिर क्रेडिट दिया जाएगा बताइए क्या हो जाएगा आंसर यस एवरी तो सक्सेस के लिए भाई क्रेडिट दिया जाएगा किसी को श्रेय दिया जाएगा कि सक्सेस के लिए मैं आपको श्रेय जो है वो देता हूं ठीक है ब्लेम हमारा होता है क्या किसी पे आरोप लगाना तो चांस आएगा नहीं अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं हमारी यहाँ पर है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द वे शीतल वेतल नॉलेज टू हर स्टूडेंट इज रियली प्रेज वर्थी ओके बच्चे बताइए क्या हो जाएगा यस इम्पार्ट नॉलेज हमारा सिनोनिमस जो है वो पूछा गया है तो भाई अब मैं आप में क्या कर रही हूँ मैं आपको नॉलेज प्रदान कर रही हूँ मेरे पास में जो ज्ञान है वो मैं आपको दे रही हूँ ठीक है हाँ जी सारे फैकल्टीज जो है वो आएंगे सारे के सारे फैकल्टीज ठीक है तो हमारा डिस्क्लोज कर रही हूँ मैं कोई

नो बडी जिस जिसको डेली में आप लोगों को हमसे मिलना हो और हम लोग सभी पूरे सारे फैकल्टीज आ रहे हैं आप सब लोगों से मिलने के लिए हॉस खास मेट्रो स्टेशन है ना उसके पास में आपका एक श्री फोर्ट करके एक ऑडिटोरियम है वहाँ पर हम आपसे मिलने आएंगे तो इस फॉर्म को जो कि आपके डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आ रहा है ब्लू कलर का जो है ना उस पर वॉइस ठीक है ना चलिए ओके है हाँ जी भाई

ठीक है बेटा इंग्लिश देखो अभी चल रही है टेनू की तैयारी बेसिक से करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगी सो so, जिस आपके सेंटेंस में कोई भी स्पेलिंग एरर जो है वो नहीं है तो फटाफट से बताइए कौन सा हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है माई मदर मी टू परचेज टू ब्रेड नाइफ्स है क्या हो जाएगा मेरी माँ ने मुझसे बोला कि दो ब्रेड के नाइफ खरीद के ले आओ चाकू खरीद के ले आओ जिसके एजेस का मतलब क्या होता है ऐसे-ऐसे करके जो होता है ना तो आपका उस तरह का जो नाइफ होता है उसको बोला जाता है तो सत्यम हाजी क्या हो जाएगा हमारा सिरेटेड जिसका सिर हो सिर पे रेट हो तो हमारा सिरेटेड फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे यह सीयर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका डब, डबल डबल आर टी कर दिया इज रॉन्ग ठीक है 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 सो हमारा यहां पर ये आपका आपका जो है, सिंगल है, तो आपका गलत स्पेलिंग हो जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यम सिंह बी नहीं होगा आपका ए वन वॉज दी करेक्ट आंसर अलाउंस गिवन टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन तो हमारा अलाउंस दिया जाता है कोई भी जो है हस्बैंड को क्या दिया जाता है हस्बैंड को जो पैसे दिए जाते हैं वो क्या होता है हमारे देखो

So, हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पर आई लगा हुआ है और आई जो है वो किस में चेंज होगा वो हमारा बीक में चेंज होगा सो करेक्ट आंसर ठीक है चलो next question पे आते हैं। दिस इज हॉम डेनिश ट्रेवलर है मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क बताइए बच्चे क्या हो जाएगा किसी ने कैसी रेप्लिका बनाई एक वाइल्ड बनाई जंगली रेप्लिका बनाई एक जो है हमारी ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला करप्ट का मतलब होता है जो कि आपका ठीक नहीं होता है जिसमें मिलावट होती है करप्ट माइंड हो या फिर आपका करप्ट कोई और चीज हो प्रदूषित तो हमारा डी वन एग्जैक्ट कॉपी की बात कर रहे हैं तो हमारा यहां रेप्लिका <coughs> <coughs> रेप्लिका का मतलब क्या होता है <coughs> हु, ठीक है चलो शी वॉज अरसेंस टू हर फैमिली बताइए वो क्या थी वह अपने फैमिली के लिए निसेंस थी सो so, टेलमी क्या हो जाएगा हमारा आंसर स की करेक्टली स्पेल्ट जो है वो बताना न्यूसेंस का मतलब क्या होता है nuisance का मतलब होता है जो कि इरिटेशन होती है ना उसे बोलते हैं जो कि झुंझुलाहट होती है जो परेशानी होती है ओके यस दुर्गा तो हमारा यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो क्या है हमारी यहाँ पे स्पेलिंग है हमारी फोर्थ वन इज दी करेक्टली ठीक दुई सेंस जिसमें सेंस नहीं होता है जो साफ नहीं लेने देता है नोए सेंस हो जाता है एस ए एन सी ई ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते लाइट्स लाइटनिंग आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वॉर लुकिंग ब्यूटिफुल बताइए लाइट्स जो किसमें पढ़ रही थी जो कि आर्ट वर्क पर पड़ रही थी वो बहुत ही ज्यादा कैसी लग रही थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी सो so, हमारा यहां पर लाइट्स क्या कर रही थी एल्यूमिनेट कर रही थी ट्रैफिकिंग कर रही थी मेसमराइजिंग कर रही थी देखो हमारा यहां पर भाई रोशन कर रही थी उसे एनलाइटनिंग होता है जैसे कि मैं आपको कोई बात बोलती हूँ तो वो एनलाइटिंग एनलाइटनिंग है ठीक है वो क्यों है क्योंकि आपसे आपको वो कनेक्ट होती है कि अच्छा लाइफ में ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए सो so, हमारा यहाँ पर एनलाइटन करना शिक्षा को प्राप्त होना करना इल्यूमिनेट रोशन करना ठीक है ट्रैफिकिंग तस्करी होती है और मैसमराइजिंग होता है कोई भी चीज़ है जो कि क्या होती है जो कि एकदम से मोह लेती है इल्यूमिनेट आपका आई डबल एल ठीक है तो ये आप स्पेलिंग याद रखिएगा और ट्रैफिकिंग की भी स्पेलिंग जो है वो पूछ ली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग्स अब भाई देखो आपके लास्ट डेज जो बचे हैं हमारा यहाँ पे गेम किस में है फुल स्विंग में है अभी मॉर्निंग सेवन एम में मैं कुछ सेशंस लूंगी ठीक है सेवन ए एम में तो वो आप जरूर से ज्वाइन करिएगा जिससे कि फास्ट फास्ट आपके कम से कम वोकेबरी मैक्सिमम वोकेबलरी मॉर्निंग में हो सके ठीक है तो हम लोग जो है ना लास्ट थ्री इयर्स की जितनी भी वोकेबरी है देखो स्टेनो की तो होगी होगी बाकी के जितने भी आपके पेपर्स हैं सीजीएल की जनरली मैं कराती कराती हूँ सी एच एस एल की मैं कराती कराती हूँ तो ये सारे आपके वोकेबले भी स्टेनो के लिए रिपीट एक बार करके जाइएगा सुबह सेवन ए एम के सेशन से ठीक है चलो तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा पुल का मतलब क्या होता है हमारा वेरी एक्टिव कि बिल्कुल किस में होना, बिल्कुल होना होना जोश में होना, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो डायरेक्टर प्रोड्यूस कोजेंट रीजन फॉर द चेंजिंग इन एच आर पॉलिसी बताइए क्या हो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर जो था उसने कोजेंट रीजन दिए एचआर पॉलिसी को क्या करने के लिए <coughs> सोनू अब बेटा जल्दी आ जाएगा पेपर तो बस आपका होने ही वाला है बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है ठीक है तो जैसे ही आएगा आपको अपडेट अपडेट कर दिया जाएगा सो so, कोजेंट इसको याद कर लीजिएगा जनता को कन्विंस करने में क्या लगता है कोजेंट रीजन लगता है हमारा एंटोनेम है ना कोजेंट जनता को क्या करना है कन्विंस करना है जनता को कन्विंस अगर करना है तो भाई हमें एक लॉजिकल लॉजिक चाहिए होता है, so, compelling होता है, है? है है, है है है, ठीक जो जो कि नहीं कर रहा है, है ना? So, हमारा यहाँ पर जो है, convince, unconvincing है. अब मैं बोलूं बेटा अभी जो है लास्ट टाइम है आप जो है बिल्कुल गाने वाने सुनो, आप कोई फायदा नहीं है पढ़ने का तो ये अनकन्विंस है, है कि नहीं कि नहीं मैडम पढ़ के तो जाएंगे चाहे पूरे साल नहीं पढ़ाई करियो अभी तो पढ़ना बनता है तो हमारा यहाँ पर

एक आध दिन हम कुछ क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के ठीक है चलिए तो हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो भाई अभी आप ना कोई भी सेशन लेकिन छोड़िएगा मत जैसे कि भाई अकॉर्डिंगली मैं आपके आपके अकॉर्डिंग भी और अपने अकॉर्डिंग भी मैं उन पेपर सेट्स को जो है वो ला सकूं ठीक है चलिए ओके okay, सो so हमारा यहां पे थोरियम हैज हम अभी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे कोई नहीं हमारा थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स देखो हमारा यहां पे किसकी बात आ रही है हैज के बाद में एंड तो नहीं आएगा हैज के बाद में जो है ऑफ नहीं आएगा हैज के बाद में हमारा बीन ही आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ तो हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स ओके दिस इज आज से हमारी शुरुआत होगी देन हम किस पे आएंगे न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन कंट्रीज इंक्लूडिंग अब कंट्रीज की बात करी है जिसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स को इंक्लूड करा जर्मनी को है यूनाइटेड किंगडम को करा है एंड इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया सो आरक्यू एस पी इज द करेक्ट आंसर यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन बताइए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जल्दी करो वरना तुम क्या हो जाओगे लेट हो जाओगे टेलमी वॉट इज द करेक्ट आंसर यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन ओके यू मस्ट बी एन हरी आएगा यहां पर यू मस्ट बी हरी देखो बी हमारा यहां पर बी एन हरी तुम्हें जल्दी में होना चाहिए हमारा बी के बाद में देखो ये हमारा क्या है वर्ब है या फिर हम सीधे सीधे यू मस्ट हरी सीधे हमने ऐसा वर्ब इसको यूज कर दिया है बी हम नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो फर्स्ट वन सॉरी सा, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर ओके द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही स्टैंड फादर बीट हिम फॉर वन मोर डे बताइए यस एवरी आंसर एक बार जो था अच्छा मुझे अभी ध्यान आया ये वाले क्वेश्चन आपके हुए थे बट कोई नहीं हम इनको थोड़ा जल्दी में भी कर रहे हैं और बाकी जो है आपका अभी क्वेश्चन होंगे ठीक है एक ही टॉपिक में प्रॉब्लम होती है टॉपिक्स बता दीजिए उसके क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा कर लेंगे अभी तो भाई डायरेक्ट इन डायरेक्ट और एक्टिव पैसा तो एनीवेज नहीं भूलना है आपको तो हमारा यहाँ पर जितने द बॉय जो था वो भाग चुका था क्योंकि उस वो नहीं झेल पाया कुडंट स्टैंड का मतलब क्या होता है कुडंट स्टैंड का मतलब होता है झेलना ठीक है वो नहीं झेल पाया क्या नहीं झेल पाया अपने फादर का यहां पे सीधे सीधे वर्ब आ गया है अपने फादर का मारना ठीक है तो हम मारने को कैसे लिखेंगे उसके फादर ने उस उसे पीटा फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे ओके तो हमारा यहां पर आई जो है वो लग जाएगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है टी अग्रवाल एक डायरेक्ट इन डायरेक्ट में मैं एक वीडियो ले लूंगी प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम होती है आकाश कुमार देखो अभी मेनमेंट आपके क्वेश्चंस वगैरह बहुत हैं प्रेपोजिशन पे आई ट्राई डायरेक्ट इन डायरेक्ट पे तो मैं ले लूंगी ठीक है वो कैब का क्लास मॉर्निंग में होगा वो कैब का तो हम तीन साल की जितनी वो कैब कर मॉर्निंग में करेंगे सेशन कल से छोड़ना नहीं है ठीक है ओके सो हमारा यहां पर फटाफट से जो है आंसर बनाइए क्या हो जाएगा नेक पेन इज अ फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम अमंग मैनी पीपल दीज डेज बहुत सारे लोगों को किसकी प्रॉब्लम होती है नेक पेन जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है आजकल ठीक है पुअर पोस्टर में स्ट्रेन नेक मसल्स अब भाई अगर गलत तरीके से बैठोगे तो वो आपको न, मसल्स में क्या दे सकता है दिक्कत दे सकता है वेदर यू आर लर्निंग ओवर ओवर योर योर कंप्यूटर हंचिंग वर्क स्टेशन नेक नेक पेन पेन मे ओकेजनली बी एन इंडिकेशन ऑफ मोर सीरियस इशू ठीक है हमारा यहां पर ओकेजनली क्या हो सकता है बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से दर्द नहीं उठता तो कोई दिक्कत की आपकी बात नहीं है ठीक है सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा सी ए

बाकी जगह हमारा अवॉइडिंग है ही नहीं सेकेंड वन इज दी करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं शी लिव इन वेल रिसोर्ड सराउंडिंग्स बताइए लग्जूरियस लग्जूरियस नेस लुरी नो सब्स्टिट्यूट वेल रिसोज सराउंडिंग सराउंडिंग्स हमारा यहां क्या हो गया है नाउन है ठीक है नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाएंगे तो एडजेक्टिव हमारा कौन सा है बताइए ओ एस जब भी किसी शब्द के अंत में होता है तो ये क्या है ये हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है ओके इट इज एडजेक्टिव सफिक्स लग्जोरियस ओ एस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके <coughs> okay, तो हमारा यहां पर गूगल डूगल गूगल डूडल जो है वो विद अ कप ऑफ ग्रीन टी बीकर गूगल डूडल ने क्या करा है फीचर करा है यहां पे देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इस इस तरह के क्वेश्चन पे एक ब्रेक लेना है भागना नहीं है अभी जैसे हम भाग रहे थे आंसर आता है तो आता है वो कैबलरी आती है तो आती है नहीं तो नहीं आती है ठीक है so, सो हमारा यहाँ पर आंसर गूगल डूडल विद ऑफ गूगल डूडल एक ग्रीन कप ऑफ ग्रीन टी के साथ में क्या पॉसिबल है नहीं फीचर feature किया फीचर्स ये वर्ब है हमारा गूगल डूडल जो है वो नाउन है नाउन के आगे हम ये सब्जेक्ट है हमारा गूगल डूडल ने क्या करा है वो एक फीचर किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है सुजी वर्किंग इन हर लेबोरेटरी क्योंकि एक पर्सन जो कि अपने लेबोरेटरी में काम कर रहा है किसके साथ में विद अ कप ऑफ ग्रीन टी बीकर एंड सम ग्रीन टी लीव्स अब यहाँ पे आपका हैक क्या है पी के बाद में क्या आएगा पी के बाद में हमारा जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए ठीक है बताइए पी के बाद में आपका सिंपल सी बात है आर आएगा पी और आर का कॉम्बिनेशन है ठीक है तो एस क्यू पी पी आर इज दी करेक्ट आंसर ठीक है एस क्यू पी आर इज दी करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वंस ओपिनियन इन द वर्ल्ड हम कहते हैं कि दूसरे को जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं आर एस एज द दॉरिजोन विच इज टेक्निकली अ सर्कल एंड दस ब्रॉड रो होते हैं, स्लाइड होते हैं कंट्रैक्टेड होते हैं तीनों ही हमारे कैसे हैं तीनों ही हमारे जो है यहां पर इन तीन की बात करें तो संकीर्ण की बात कर रहे हैं ये हमारे तीन जो है वो नैरो विचार की बात नहीं कर रहे हैं जितने भी विचार हैं हमारे वो यहां पे क्योंकि एक ही हमारा ऑड वन आउट है ये ऑड वन आउट कह सकते हैं ठीक है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि तीन तो हमारे यहां पे एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं तो वास्ट होते हैं एज द दिच इज टेक्निकली अ सर्कल जो कि क्या होता है वो एक सर्कल होता है दस रिग्रस्टली सीवियरली स्ट्रिक्टली इनफाइनेटली हा अब किसी का अगर मान लीजिए क्या है कोई आपका बहुत ही ज्यादा जो है की बात हो रही है किसी के जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है ठीक है तो टेक्निकली एक सर्किल है और सर्किल में कैसे इनफाइनाइट है बेटा जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपको बता दिया जाएगा ठीक है आप आराम से जो है तैयारी करो अपडेट आपको हम कर देंगे ठीक है सो हमारा यहाँ पर हाँ जी अंजलि शायद मैंने ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे आई कुडेंट रिमेंबर सो आज फिर से आ गए हैं है ना सो so हमारा यहाँ पर कैसे होते हैं इनफाइनेंटली ब्रॉड होते हैं हमारा इग्रेस किसी काम को बहुत ही ज़्यादा एक जो है बहुत ज़्यादा उसमें दिल लगा के करना सीवियरली बहुत ज़्यादा कैसा होता है जो कि सीरियस लेवल पे होता है स्ट्रिक्टली होता है कठोर होता है इनफाइनेटली अनंत काल तक क्या है ब्रॉड है यट वी मस्ट चूज़ ईच स्टेप हम लोगों को भाई इतने इतने व्यूज़ होते इतने विचार होते हैं हम लोगों को अपने सारे जो भी स्टेप्स हैं वो कैसे लेने चाहिए अटमोस्ट लैक अन माइंडफुल अनअटेंटिव कॉशन्स के साथ में हमें भाई सोच समझ के विचार करना चाहिए ठीक है उससे पहले तो हमें विचार नहीं करना चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए सरकारी रिजल्ट पे बेटा अगर आयोग आया होगा हो ना तो एसएससी पे ही आया होगा है ना सरकारी रिजल्ट पे मैम एडमिट कार्ड आ गए हैं चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ एसएससी पे आपके ठीक है बाकी उस पर हम यकीन नहीं कर सकते किसी और वेबसाइट पे एस एस सी डॉट एन आई सी डॉट इन ठीक है तो आपका जो है एक काम करो आप जो है ना लॉग इन आई पासवर्ड जो आता है ना आपका वहां पे लॉग इन आई पासवर्ड करके देखो तो आप आपको ना पता चल जाएगा ठीक है उस पर आप सीधे सीधे से जा सकते हो यहां पे जाओगे आप जाइएगा एडमिट कार्ड अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इसमें दिखा नहीं रहा है ठीक है सो so, हमारा यहां पर एडमिट कार्ड आपका वहां से सीधे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड पे एक बार देख लो अटमोस मतलब क्या होता है हमारा ये मस्ट चूज स्टेप्स विद हम बहुत ही ज्यादा का मतलब होता है सर्वाधिक अत्यधिक कोशियस के साथ में सावधानी के साथ पे ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो है स्लैक नहीं होगा अन माइंडफुल नहीं होगा इनअेंटिव नहीं होगा चलो क्योंकि बाकी के तीन वर्ड्स आपके क्या हो रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं ठीक है चलो मैं एक बार देख लूंगी इसको आपकी क्लास करने के बाद में ओके यट वी मस्ट चूज स्टेप विद अटमोस्ट कॉशन फॉर द फुटप्रिंट्स वी लीव फुटप्रिंट्स हम किसको छोड़ते हैं बताइए नॉर्थ के नहीं आए कुछ कह रहे हैं वेस्ट के नहीं आए हैं कोई बात नहीं है ठीक है एक आध दिन रुक जाओ सबके आ जाएंगे आप आराम से अभी एडमिट कार्ड का मत सोचो अभी क्वेश्चन का सोचो है ना तो हमारा यहां पर ओके okay, फुटप्रिंट वी लीव डिड सर प्लस बिहाइंड हम जो है पीछे अपने क्या छोड़ के जाते हैं हमें कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए होता है फेंक देना सरप्लस होता है ज्यादा बिहाइंड होता है पीछे एक्सेसिव होता है ज्यादा तो हम फुटप्रिंट्स अपने पीछे छोड़ के जाते हैं अपनी जनरेशन के लिए जो भी काम करते हैं दादाजी ने ये किया था बेटा अब तुमको ये गलती नहीं करनी है है ना आर आर एज इम्पॉर्टेंट एज दी वी फॉलो वो जो हम डिसीज़न लेते हैं क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ किसी और की सक्सेस को देख के ही डिसीजन ले रहे होते हैं है ना तो जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं उसी पाथ पे हमें जो है वो क्या होता है हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है है ना? हम अपने डिसीजन को सोच समझ के लिए क्योंकि हमारे हम फुटप्रिंट्स अपने जनरेशन को छोड़ के जाते हैं ओके okay? सो so, हमारा दे आर द पार्ट ऑफ सेम जर्नी एज अ स्टोरी हम भी किसी और की क्या बनते हैं जर्नी बनते हैं सॉरी स्टोरी बनते हैं चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते पेशेंट सन टेकिंग हिम टू पेशेंट को याद था यहां पर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया बताइए ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था ये क्वेश्चन कराया था शायद मैंने पहले बताइए क्या आएगा पेशेंट रिमेम्बर से सन टेकिंग हिम टू दी हॉस्पिटल सॉरी टेम्पल टेम्पल लेके गए हैं भाई सी वन आ जाएगा देखो सिंपल सी बात है रिमेम्बर्स है है ना हम यहाँ पे ना कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारा पेशेंट को याद है उसका सन उसे लेके गया था टेम्पल तो हमारा वॉस तो आएगा नहीं क्योंकि कहीं पे भी ये प्रेजेंट पास में तो जा नहीं रहा है ठीक है रिमेंबर्स टेकन टू दाई हे सन रिमेंबर्स हिमसेल्फ हिमसेल्फ आपका आएगा नहीं पेशेंट रिमेंबर्स बींग टेकन टू दब देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया है टेकिंग लगाया है टेकिंग लगाया है तो बींग टेकन आ सकता है कि नहीं आ सकता है हमारा बींग के बाद में टेकिंग बिल्कुल आ सकता है और तो कहीं पर हमारा ये लग नहीं रहा है हमारे ग्रामर के इसमें जो है रूल वो फेल हो रहे हैं हिमसेल्फ पेशेंट को खुद से याद है पेशेंट रिमेंबर्स हिमसेल्फ हटा हाँ दिया है दो में डिसाइड करिए क्यों आएगा कैसे आएगा बताइए एक बार क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है तो मुझे ये बताइए कि आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा चलिए बच्चे डी वन होगा कि सी वन होगा बिल्कुल श्योरिटी के साथ में बोलना है आपको ऐसे हवा में आंसर जो है वो नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है टेल सी वन होगा कि डी वन होगा सेव स्कोर रुक जाइए सेव स्कोर क्या रहेगा C1 किसी का आंसर अभी तक एकदम श्योर नहीं आया है कि नहीं मैडम यही वाला आंसर होना चाहिए पेशेंट को रिमेंबर याद है सीवन की डीवन चलिए थोड़ा सोच के और आंसर दीजिएगा ये होमवर्क पे कमेंट करिएगा कि आंसर क्या आएगा ठीक है चलिए फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन तो किसी की क्या होती है किसी की जो फॉर्मल फॉरगिवनेस होती है जो हम बोलते हैं चलो ठीक है तुमको माफ किया फॉर्मली उसको क्या बोला जाता है बताइए बच्चों नहीं अब क्वेश्चन थोड़ा सर्च करिएगा ढूंढ के मुझे होमवर्क में आंसर जो है वो बताइएगा कि आंसर क्या है क्यों है ऐसे नहीं है कि कुछ भी सी को लॉक कर दिया जाए सत्यवंत सिंह ओके

ओके okay. सो so, हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूशन, मुक्ति मुक्ति दे दी है है ना तो हमने भाई एब सोल्यूशन दे दिया सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर ओके सेकेंड वन हो जाएगा इट इज अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज बताइए ओके सो इट इज अनडिजायरेबल हम ये बात नहीं मांगते हैं अनडिजायरेबल है एंटोनेम जो है वो क्या हो जाएगा एडवाइजेबल अनिश मीक विनम्रम ऑफ टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ यूर अर्निंग फॉर फ्यूचर एडवाइजेबल अनएडवाइजेबल हमारा यहां पे देखो यहां पर हम कह रहे हैं अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स फॉर फ्यूचर यूज ठीक है हम यहां पे भाई अनडिजायरेबल है जिसकी डिमांड जो है वो हम क्या कर रहे हैं अनडिजायरेबल जिसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं डिजायर नहीं है जरूरत नहीं है जिसकी डिजायरेबल जरूरत होगी जिसकी जरूरत नहीं है ठीक है अब यहां पर हमारे लिए जरूरत नहीं है नहीं है हटा देंगे तो जरूरत बचेगी जरूरत जब हमारी बचेगी तो हमारा एडवाइजेबल आंसर हो जाएगा ना बताइए ठीक है आंसर एडवाइजेबल अन एडवाइजेबल एंटोनिम जो है वो पूछा गया है तो हम अन जो है वो हटा देंगे ओके okay, तो बताइए अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रपोजिशन हमारा यहाँ पर कहां पर आएगा ओके okay. जो है है वो हमारा कहां पर आ रहा दिस बस एट द बस स्टॉप एट द बस क्यों क्योंकि हम लोग फिक्स्ड पोजिशन को यूज करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर ओके द एमडी ऑफ द कंपनी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाई गॉट द मच कॉपरेटिव प्रमोशन बताइए मीक होता है विनम्र ठीक है विनम्र के लिए बोलते हैं बहुत ही जो कैसा होता है सीधा साधा भोला भाला मीक सबसे टाइप ऑफ पर्सन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है भाई बिल्ली को आपने जो है बाहर निकाल दिया है तो यानी कि कोई राज जो है वो क्या कर दिया है ओपनली कन्फेस टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजली विदाउट इंटेंडिंग टू कोई ग्राथ जो है गलती से उजागर कर देना क्योंकि बिल्ली अगर बैग में है तो उछल के बाहर आ जाएगी तो सीवन इज दी करेक्ट आंसर ठीक है राज को उजागर कर देना ओके एंटोनिम बताना है कंसेंट का बताइए कंसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा बिकरिंग एक्सपोलजन डायरेक्टिव इंट्रोडिक्शन ओके, okay, so हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए कंसेंट का मतलब क्या होता है सहमति किसी को हाँ करना ओके okay, हमारा बिक्रिंग का मतलब हो गया है कलेश हो गया है ठीक है देन हमारा यहाँ पर एक्सपोल्जन होता है निष्काशन एक्सपोल कर दिया यानी कि निकाल दिया है किसी को डायरेक्टिव होता है आदेश और इंटरडिक्शन पाबंदी होती है कंसेंट का मतलब क्या है सहमति और आप सहमति नहीं दे रहे हो यहां पे तो हमारा आंसर इसका देखो कलेश कर रहे हो ये आपका अलग वर्ड है ये भी आपका अलग वर्ड है डायरेक्टिव आदेश और इंटरडिक्शन पाबंदी है तो हम भाई किसी पे रोक लगा रहे हैं यानी कि हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं सो डीवन इज द करेक्ट आंसर ठीक है ग्रेट ट्रांजिशन मार्ग सेंचुरी फॉर मैन काइंड बताइए क्या हो जाएगा आंसर मी सो अरेंज द पार्ट्स ये इसका जो है ना हमारा यहां पर एकदम डिफरेंट क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ग्रेट ट्रांजिशन मार्क द ट्वेंटिय सेंचुरी देखो फॉर मैन काइंड है सिंपल है सेंचुरी मार्क बीसवीं शताब्दी बीसवीं शताब्दी ने इंड सो so, हमारा यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा अ ग्रेट ट्रांजिशन फॉर मैनकाइंड मार्क द ट्वेंटिय नहीं एक मतलब बीसवीं जो भी आपका मान लीजिए कोई साल होता है कोई सेंचुरी होती है तो हमारी क्या भाई यहाँ पर अगर बीसवीं सेंचुरी की हम बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ तो उसकी वजह से बीसवीं सेंचुरी होगी नहीं बीसवीं सेंचुरी ने मार्क किए बहुत सारे ट्रांजिशन मानव जाति के लिए तो बीवन इज दी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ड्यूरिंग माई टाइम जो कि क्या होता है किसी भी बीमारी से जब उठते हैं ना है ना बीमारी के बाद में जो क्या होता है बीमारी के बाद में जो हेल्थ अच्छी होती है उसे बोला जाता है तो यहां पर आपसे पूछा गया है इसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कौन सी है कॉन्वल वन आ जाएगा कॉन ठीक है सो हमारी स्पेलिंग यहां पे ध्यान से देखिए दिस इज कॉन वर्लेंस कौन वेल सेंस। हम किसमें आ जाते हैं देखो यहां पर हमारा जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है ये वाइल लिखा हुआ है ठीक है तो ये रॉन्ग हो जाएगा कोई भी स्पेलिंग जो याद नहीं होती है, ब्रेक करो ठीक है अब कौन वाले सेंस में है ये समझ में आ रहा है जब फीवर आ जाता है या फिर मान लीजिए तबीयत जब खराब हो जाती है तो ऐसा होता है ना कि अरे अपने सेंस में नहीं थे मैंने अभी क्या किया ब्रेड गरम करी और उस पर कर रही थी मैं थोड़ा टोस्ट कर रही थी अः तो मैंने जलता हुआ छोड़ दी गैस ठीक है क्योंकि हम सेंस में ही नहीं थे फीवर आ गया था ओके सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सेंस तो लिखा नहीं है आपका ये साइंस करके लिखा हुआ है कौन वाला सेंस का मतलब होता है हेल्थ जब खराब हो जाती है उसके बाद में अपनी हेल्थ जो है जब अच्छी होती है उस उस पीरियड को बोलते हैं ठीक है सो कॉन्वेंस यानी कि एक अच्छी हेल्थ को गेन करना ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ब्रेडी स्ट्रेटन एंड चार्ज वुडन स्विंग ओपन बेटन इन हैंड ये होता है हमारे छड़ी को बोला जाता है बेटन ठीक है बैट होता है ना बैट से बेटन को याद रखिए छड़ी चलिए कौन वाले ठीक है तो कौन वाले ये कौन ऐसे मत करना ऐसे करके कर दो भाई स्पेलिंग याद करनी है कौन वाले ठीक है और यहाँ स्पेलिंग एस होती है ठीक है हमें उसको नहीं करना है तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा कौन वाला सेंस आ जाएगा सी से कर लो इसे इतना तो याद करना ही पड़ेगा ठीक है तो हमारा यहाँ पे अगर वेटे ना तो चार्ज होगी वुडन होगी लकड़ी की लकड़ी की छड़ हो गई है ठीक है ब्रैडी ने स्ट्रेटन किया सीधा किया आपकी लकड़ी की छड़ी छड़ी को ठीक है, पे किसी चीज़ को लेना क्या होता है किसी भी चीज को अब देखो याद रखिएगा कल से अभी जितने भी हमारे वो हैं मिनिमम हम ट्राई करेंगे भाई फिफ्टी क्वेश्चन करने का ठीक है तो जिससे कि कम से कम कम से कम नहीं तो आपके जो है भाई दो ही दिन में आपके हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो हो जाए टेक समथिंग एट फेस वैल्यू अगर फेस वैल्यू पे हमने कोई चीज ली हुई है तो यानी कि वो कैसी है शुरू में फल ले लेते ना देखते हैं कि अच्छा लाल है अच्छा लग रहा है क्योंकि खा के तो देख नहीं सकते हैं फेस वैल्यू पे लेते हो जब उसकी एक्चुअल में उसकी कंडीशन जानते हो कि सही है कि नहीं है ठीक है सो हमारा एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स लुक्स पे ही खरीदते ना विदाउट थिंकिंग अबाउट तो फेस वैल्यू पे लेना बिना सोचे समझे लेना कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा सिर्फ शक्ल देख के जो है वो ले लेना ओके अकॉर्डिंग टू अपेयरेंस ऑफ समथिंग नहीं हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना अब यहाँ पे फेस वैल्यू भाई ऑरेंज मैनेज होती है फेस वैल्यू भी शादी कर ली ठीक है शक्ल अच्छी है अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना ओके सो so हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आंसर हमारा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं है उस चीज को लेना प्रूफ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोई भी फल को खाके तो आप देख नहीं सकते अगर एक खा भी लोगे दूसरा नहीं खा पाओगे ठीक है तरबूज कटवा के देख सकते हैं ना बाकी तो नहीं कर सकते हैं. ओके चलो

हम लोगों से मिलना चाहते हैं हम सब लोग कहाँ पे एड्रेस दे देती हूँ ये रहा सिक्स अक्टूबर यानी कि परसों है ना परसों कहाँ पे आ रहे हैं मिलने अगस्त क्रांति मार्ग जो है सिरी फोर्ट अब इसको नोट कर लीजिएगा ये सिरी फोर्ट है ठीक है सिरी फोर्ट कहाँ पर है आपका ग्रीन पार्क जो देखना ग्रीन पार्क एंड हॉस खास मेट्रो स्टेशन हॉस खास मेट्रो स्टेशन तो दस दस रुपए के आपके वो चलते हैं शेयरिंग वाले जो ऑटो होते हैं ना टैक्स चलती हैं वहां से मिल जाएगा सिरी फोर्ट में पहुंचा देगा आपको कितने बजे आना है ग्यारह बजे आ जाइएगा और अगर आना है आपको तो हमारा यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है इसको फिल कर दीजिए जिससे कि आपके पास पे मेल पे पास जो है वो पहुंच जाएगा ओके बच्चे तो हम लोग यहाँ पे जो है अमित माना के साथ में एक सीरीज आ रही जो है उसको हम लोग लॉन्च लौँच, लॉन्चिंग में जा रहे हैं और साथ के साथ में आपको जो है हमसे मिलने का हम लोग हमको मिल मौका मिलेगा आप लोगों से मिलने का ओके बच्चे तो जिनका भाई पेपर है उनके लिए नहीं लेकिन हाँ अगर पेपर नहीं है तो आप आइएगा ज़रूर ठीक है बच्चे चलो और इसी के साथ में अभी देखो भाई अगर आपका पेपर है तो आपको मैं बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बोलूंगी कि कि ये लेना है कि वो लेना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है अगर टेस्ट सीरीज नहीं दी है तो अड्डा टू फोर से आपका जो है यहां पे टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज कौन सी वाली लेनी है एक बार सारे के सारे के बच्चे टेस्ट भाई जरा से जो दिन बच्चे हैं टेस्ट सीरीज लगा लेना कोई लाइव क्लास नहीं कोई क्लास में आपको रिकमेंड नहीं करूंगी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ठीक है तो ये रही आपकी यहाँ पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऐसे पे जब जाओगे तो

इस सेशन में मिनिमम फिफ्टी क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे चलिए बाय बाय एवरीवन हैव अ नाइस डे थैंक यू